खुश रहती है, हुनर सर चढ़ कर बोलता है। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं पांच दोस्तों की अनोखी दोस्ती की कहानी, जो मिसाल बन गई है। फुलवारी शरीफ के चांद कॉलोनी में चर्चा में है पांच दोस्त और इनकी दोस्ती। इन पांच दोस्तों की जुबान तो नहीं है, मगर इनका हुनर बोलता है जनाब। पांचों यहाँ चिराग टेलर्स नाम से दुकान चलाते हैं। इनकी दिव्यांगता कभी इनकी काबिलियत के आड़े नहीं आई, इस दुकान से ही इनका परिवार चल रहा है। ये पांच दोस्त मुनव्वर, शमशेर, अरमान, गोल्डन और आमिर हैं। इनमें सबसे पहले सिलाई का काम मुनव्वर ने सीखा। वो फुलवारी शरीफ के ही किसी टेलर के यहाँ काम करते थे। कुछ दिन में यहाँ शमशेर भी उनका हाथ बटाने लगे। दोनों ने जब काम सीख लिया तो चांद कॉलोनी में एक दुकान खोल दी। ये बोलने में असमर्थ थे, इसलिए कपड़े का नाप लेने और बातचीत में दिक्कत आती थी। ऐसे में इन्होंने आपस के टेलर से संपर्क किया। ये सभी नामचीन टेलर की दुकान से कटा हुआ पैंट शर्ट लेकर आते और आराम से उसकी सिलाई कर फिर पहुंचा देते। इन दोनों बेजुबान दोस्तों के कपड़े सिलने की बात सुनकर फुलवारी शरीफ के ही अरमान, गोल्डन और आमिर भी इनके साथ आ गए। धीरे धीरे इनका काम बढ़ने लगा और चर्चा दूर दूर तक होने लगी। इन पांच दोस्तों की दुकान पिछले एक दशक से चल रही है। ये सभी सिलाई कढ़ाई में तो मास्टर हैं, मगर एक समस्या ग्राहकों से संवाद करने की आ रही थी। इसका समाधान बनकर आए नया टोला के मास्टर इकबाल अहमद। इकबाल बोल सुन सकते हैं और इन पांचों दोस्तों की दुकान पर ही रहते हैं। इनका काम ग्राहकों से बातचीत करना, उनके कपड़े की नाप लेना और फिर उस हिसाब से कपड़े काटना है। तय नाप के हिसाब से कटे हुए कपड़े मिलने के बाद ये पांचों दोस्त उसे सिलने का काम करते हैं। इकबाल कहते हैं कि इन सभी के पास स्मार्टफोन भी हैं। कभी किसी ग्राहक को खास डिजाइन बताना होता है तो वे व्हाट्सएप पर तस्वीर भेज देते हैं। शमशेर की पत्नी बेबी कहती है कि वो बोल नहीं सकते, मगर कामकाज में कभी इसकी कमी महसूस नहीं हुई। सिलाई के अलावा घर के कामकाज भी बहुत अच्छे से करते हैं। वो बच्चों को स्कूल लाने से लेकर बाजार जाने तक सारा काम करते हैं। मुनव्वर की पत्नी रानी कहती है, खुदा ने आवाज नहीं दी मगर सोचने समझने की क्षमता तो आम लोगों से भी ज्यादा दी है। तो चलिए इन पांचों दोस्तों को इस न्यू ईयर पर करते हैं सलाम और देते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट लाइन भोजपुरिया की तरफ से आप तमाम दर्शकों का अपार प्यार और अपार स्नेह के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ढेर सारा प्यार बनाए रखिए, ढेर सारे सुझाव दीजिए और बहुत सारे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट लाइन भोजपुरिया का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइए। नेक्स्ट लाइन भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह के रिपोर्ट। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।